दिल्ली दे पंथक हलकियां विच सरदार मनजीत सिंह जीके दी जागो पार्टी वल्लों पाई पैड़ काफले दी शकल अख्तियार करन लगी है। आए दिन वड्डी गिनती विच दिल्ली दी सिख संगत दे पार्टी नाल जुड़न तो उत्साहित मनजीत सिंह जीके ने जानी पहचानी सिख शख्सियत सरदार मुख्तियार सिंह दा अपनी टीम समेत जागो पार्टी विच शामिल होण ते खुले दिल नाल स्वागत कीता है। इस मौके संबोधन करदिआं मनजीत सिंह जीके ने कहा कि मुख्तियार सिंह डिप्लोमैटिक सर्कल विच मुल्क अते सिख कौम की नुमाइंदगी करते रहे हैं। उन्हां दा साडे नाल आउणा साडा माण भी वधा रहा है अते हौसला भी। उन्हां दा कहना है कि अज सरदार मुख्तियार सिंह उन्हां दी सारी टीम वैस्ट दिल्ली तिलक नगर फतेह नगर नहला विहार चंद्र विहार तो वड्डी गिनती विच जागो पार्टी भी शामिल हुई है। असी सरदार मुख्तियार सिंह समेत पूरी टीम दा जागो पार्टी नाल जुड़न उपर उन्हां दा खुले दिल नाल इस्तकबाल करदे हां। सरदार मुख्तियार सिंह कौमांतरी पद्धर ते 45 तो वध मुल्कां विच चंगा असर रसूख रखदे हन। सो जागो पार्टी दे मंच तो ओह सिख कौम की बेहतरी लई हुण अपना अणमुला योगदान पाउणगे। सरदार मुख्तियार सिंह एक ऐसी शख्सियत ने कि जिन्हां ने डिप्लोमैटिक सर्कल दे विच जो अपनी सेवा निभाई है मुल्क वास्ते कौम वास्ते, मैं समझदा वो अपने आप ची मिसाल है। बगदाद दे विच जिहड़ा गुरद्वारा साहब है गुरु नानक पातशाह दा, वो बहुत नेड़े पहुँच गया सी सिखां दे हवाले होण लई, लेकिन जदों उत्थे जंग छिड़ गई बगदाद दे विच, मैं समझदा कि अज फिर उत्थे माहौल शांति वाले पासे जा रहा। आने वाले समय च वो जिहड़ा स्थान जिथे गुरु नानक साहब ने कई महीने उत्थे रुके सन, वो इतिहासिक स्थान भी सरदार मुख्तियार सिंह जी की अपनी दोस्ती पर्सनल दोस्ती 45 तो वध मुल्कां दे विच भावें राष्ट्रपति होण भावें उत्थों दे अंबैसडर होण भावें हैड ऑफ स्टेट्स होण, उन्हां नाल इन्हां दी मित्रता है। तो मैं समझदा वा कि अज ये साडे दफ्तर आए ने और बहुत वड्डी टीम नाल लै के आए ने जॉइनिंग वास्ते, खास तौर पर वैस्ट दिल्ली की जिहड़ी मैं समझदा कि गढ़ है सिखां दा पंजाबियां दा, इसने बहुत वड्डी ताकत सानू दित्ती है, मैं जी आया करदा। इस मौके मनजीत सिंह जीके ने मौजूदा वेले नुमाइंदे सिख संस्थावां विच सियासी दखल नाल आए निगार दा जिक्र करदिआं ओह दौर याद करवाया है जदों उन्हां दे पिता सरदार संतोख सिंह दी अगवाई विच राजधानी दिल्ली विच सिख धार्मिक विद्यक संस्थावां दी बुनियाद रखी गई। पंजाबी भाषा नूं मानता निरंकारी मुद्दा जां विदेशां विच सिख मसलियां लई इतिहासक काम कीते गए। उन्होंने खुद बतौर DSGMC दा प्रधान हुंदिआं ब्लैकलिस्ट माफ करवाउण सज्जन कुमार नूं जेल विच भेजण समेत किते कम्मां दी वड्डी फहरिस्त गिणवाई है। सर चमन सिंह होरां ने जिवें तुहानूं दस्सिआ है कि जो इतिहास है साडा, पहले मेरे तो पहले मेरे पिता जथेदार संतोख सिंह जी जिस तरीके नाल गुरुद्वारियां दीआं जगह जमीन स्कूल कॉलेज खड़े कीते, या पिछले 39 सालों तो भावें कमेटी की सेवा 2013 च मिली, लेकिन उस तो पहले जो जो काम असी कीते वो बहुत वड्डे काम असी करन दे विच कामयाब होए। भावें पंजाबी सैकेंड लैंग्वेज की गल होवे, भावें निरंकारी इशू होवे, मैं 1978 की गल करदा पिया वां, भावें 1982 च किते इंग्लैंड च दस्तार दे उत्ते पाबंदी लाने की कोशिश करते ने, किते अमरीका च पुलिस डिपार्टमेंट च दस्तार ते पाबंदी लगती है, मैं समझदा बड़े ऐसे काम ने जिहड़े असीं कीते गुरु ने कराए। इस मौके सरदार मनजीत सिंह जीके ने पार्टी के जथेबंधक ढांचे भी अहम ऐलान करदिआं सरदार सज्जन सिंह नूं मीत प्रधान दिल्ली स्टेट अते सरदार अमनदीप सिंह होरां नूं सकत्तर दिल्ली स्टेट नियुक्त किया है। सो दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी चोणां तों ठीक पहलां जागो पार्टी का कुणबा बदल लगा है। आए दिन नवें आगुआं का पार्टी विच हो रही शमूलीयत तों मनजीत सिंह जीके काफ़ी आसवंद हन। जेकर तुहानू साडा इह उपराला चंगा लगा है तां इस नूं लाइक करो, शेयर करो अते साडे यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब करो।